नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं टोयोटा की दो टॉप सेलिंग कार्स का कंपैरिजन। जी हाँ, टोयोटा की फॉर्च्यूनर और उनकी इनोवा क्रिस्टा। और इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दोनों के इंजिन्स, गेयरबॉक्स, माइलेज, प्राइसेस, सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स और परफॉर्मेंस को भी, और फिर हम देखेंगे इस वीडियो का वर्डिक्ट। तो अंत तक देखिए हमारे ये कंपेरिजन वीडियो, ये जानने के लिए कि आपके मेहनत के पैसे किस कार में डाले, जो हम आपको बस 10 मिनट में बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा दोनों में एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन आते हैं और दोनों में मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स भी आते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों के पेट्रोल वेरिएंट्स के इंजन्स और माइलेज को। दोस्तों जब दोनों के पेट्रोल इंजन की बात आती है तो टोयोटा ने दोनों में एक ही 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया है जिसका पावर आउटपुट है 166 HP जो आता है 5200 RPM पे और टॉर्क है 245 Nm जो आता है 4000 RPM पे। और तो और दोनों को सेम 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स आता है। लेकिन क्या होगा जब दोनों के माइलेज को कंपेयर किया जाए और स्पेशली दोनों के सालाना खर्चे को, तब देखते हैं। दोस्तों दोनों के माइलेज के फर्क को अगर देखा जाए तो इनोवा क्रिस्टा का माइलेज ज्यादा है लगभग 1.25 kmpl से, और अगर दोनों के साल का लगभग 25,000 किलोमीटर के हाईवे के रनिंग के हिसाब से अगर सालाना खर्चे को देखा जाए तो फॉर्च्यूनर पे आपको लगभग 21,700 रुपीज ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ फ्यूल पे, यानी के महीने के लगभग 1800 रुपए ज्यादा। जिससे साफ साफ ये पता चलता है कि इनोवा क्रिस्टा के सालाना रनिंग में 22 लीटर कम फ्यूल लगेगा। देखा दोस्तों, सिर्फ इतना सा माइलेज का फर्क होने से कितना फर्क पड़ता है सालाना खर्चे पे। हाँ, अगर दोनों में कुछ समानता है खर्चे के मामले में तो वो है उनका सालाना सर्विस कॉस्ट, जिसमें ईयरली 100 रुपए का भी फर्क नहीं है। और तो और अगर दोनों के पेट्रोल ऑटोमेटिक्स की तुलना की जाए तो दोनों में आधे kmpl का भी फर्क नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में खर्चे का ज्यादा फर्क नहीं है। अब इनके प्राइसेस को अगर देखा जाए तो फॉर्च्यूनर के पेट्रोल वेरिएंट्स की रेंज है 33.23 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेके 35.05 लाख ऑन रोड दिल्ली तक। अब ये अगर इनोवा क्रिस्टा के पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ कंपेयर किया जाए फॉर्च्यूनर के बेस पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स के साथ, तो फॉर्च्यूनर महंगी पड़ेगी लगभग 15 लाख रुपयों से। और इनके अगर टॉप एंड्स की तुलना की जाए तो आपको फॉर्च्यूनर की पेट्रोल टॉप एंड महंगी पड़ेगी लगभग 9 लाख रुपयों से। चलिए देखते हैं दोनों के डीजल मैनुअल और ऑटोमेटिक्स की तुलना करके। सबसे पहले तो ये दोनों पेट्रोल इंजन्स जैसे कॉमन इंजन्स शेयर नहीं करते। फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगा एक 2.8 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 176 HP जो आता है 3400 RPM और टॉर्क है 420 Nm जो कि आता है 1400 RPM पे। इसकी तुलना अगर इनोवा क्रिस्टा के साथ की जाए तो इनोवा क्रिस्टा का जो 2.4 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है वो कम पावर देता है लगभग 26 HP से, जो सेम RPM पे डिलीवर करता है, और टॉर्क भी कम है 77 Nm से, जो अगेन सेम RPM पे डिलीवर हो जाता है। अब इस इंजन को टोयोटा ने दिए हैं दो गियरबॉक्सेस। पहले बात करते हैं उनके 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के बारे में। दोस्तों फॉर्च्यूनर का एयर आया माइलेज है 14.24 kmpl जो इनोवा क्रिस्टा से उतना कम नहीं है, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा का एयर आया माइलेज है 15.1 kmpl और इसीलिए दोनों का अगर सालाना 12,000 किलोमीटर के सिटी के रनिंग के हिसाब से अगर खर्चे का अंदाजा लगाया जाए तो फॉर्च्यूनर पे आपको सालाना 3700 का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी के महीने के लगभग 300 रुपए। और यहां भी दोनों के सालाना सर्विस कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। और तो और अगर दोनों के डीजल ऑटोमेटिक्स की तुलना की जाए तो दोनों के एयर आया माइलेज में आधे kmpl का भी फर्क नहीं है। तो जाहिर है कि दोनों के खर्चे में ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वजह से दोनों के कंपैरिजन में बहुत फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों क्रिस्टा सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव में अवेलेबल है जैसे कि फॉर्च्यूनर के पेट्रोल वेरिएंट्स, लेकिन फॉर्च्यूनर के डीजल वेरिएंट में 4x4 का भी ऑप्शन है जो एक डायल से आप मोड स्विच कर सकते हैं, और ये फॉर्च्यूनर का सबसे पॉपुलर वेरिएंट है। जी हाँ, यानी के उसका डीजल वेरिएंट जो कि 4x2 यानी के रेयर व्हील ड्राइव और तो और 4x4 में भी उपलब्ध है, यानी के चारों व्हील्स को ड्राइव मिलता है।
टोयोटा दमदार इंजन से। और तो और, इन दोनों ड्राइव ऑप्शंस में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शंस मिल जाएंगे। और पता है इन ऑप्शंस का बेस्ट पार्ट क्या है? इनका माइलेज। जी हाँ, फॉर्च्यूनर के 4x4 वेरिएंट की बात करें तो 4x4 मैनुअल आपको वही 14.24 kmpl और 4x4 ऑटो आपको वही 15.04 kmpl का माइलेज देंगे, जो ऑब्वियसली इनोवा क्रिस्टा से बेहतर है, क्योंकि फॉर्च्यूनर के ऑटोमेटिक में आप सीक्वेंशियल मैनुअल और पेडल शिफ्टर्स यूज कर सकते हो। अगर आपको ऑफ रोडिंग का क्रेज है तो हमारी मानो फॉर्च्यूनर का डीजल मैनुअल 4x4 से अच्छा डील आपको नहीं मिलेगा। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल और 4x4 सिस्टम आपको ऑफ रोडिंग में बहुत काम आएगा। फॉर्च्यूनर में आपको लो रेंज गियर्स यानी 2 low और 4 low भी मिल जाएंगे, जिसकी टॉर्क डिलीवरी इंस्टेंट है पत्थर चढ़ानों या कीचड़ से निकलने के लिए। ऑफ रोडिंग करते वक्त अगर गाड़ी क्रॉस एक्सल करे तो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ग्रिप देने में मदद करता है। और सालाना खर्चे की बात करें तो वो वही 3,500 रुपयों का रहेगा जो टू व्हील ड्राइव में आता है। लेकिन क्या होगा जब दोनों के प्राइसेस को देखा जाए, तब चलिए देखते हैं। अब इनके प्राइसेस की तुलना अगर की जाए तो फॉर्च्यूनर के डीजल वेरिएंट्स की प्राइस रेंज है 36.3 lakh ऑन रोड दिल्ली से लेके 40.7 lakh ऑन रोड दिल्ली तक। अब ये अगर इनोवा क्रिस्टा के डीजल वेरिएंट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो इनोवा क्रिस्टा की बेस डीजल मैनुअल मॉडल आपको सस्ती पड़ेगी लगभग 16.5 lakh रुपयों से। जी हाँ, ऐसे फर्क में तो आप कम से कम 3 ब्रांड न्यू ऑल्टो खरीद सकते हो। जी हाँ, और इनके अगर टॉप एंड डीजल की बात की जाए तो आपको वहां भी क्रिस्टा सस्ती पड़ेगी लगभग 11.5 lakh रुपयों से। लेकिन ऐसा क्या आता है फॉर्च्यूनर में जो आपको इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिलता? चलिए देखते हैं इन दोनों के फीचर्स को। जब फीचर्स की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में कॉमन फीचर्स भरपूर मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। शुरुआत करते हैं सेफ्टी से। दोस्तों, क्योंकि फॉर्च्यूनर अच्छे से ऑफ रोडिंग कर पाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें सेफ्टी फीचर्स भी वैसे ही देगी टोयोटा। जैसे कि उन्होंने फॉर्च्यूनर में DAC दिया है, यानी कि डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, जो आपको उबड़ खाबड़ रस्तों पे जब ट्रैक्शन कम होगा तब ये फीचर काम आएगा, फॉर्च्यूनर को स्कीड होने से बचाएगा। ये फीचर ऑब्वियसली आपको इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिलेगा। फिर फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगा 7 SRS एयरबैग्स, जहां इनोवा क्रिस्टा में आपको 4 एयरबैग्स कम मिलेंगे। फिर फॉर्च्यूनर में आपको WIL कॉन्सेप्ट फ्रंट सीट्स मिलेंगे, यानी कि जो ऐसे डिजाइन के फ्रंट सीट्स है जो पैसेंजर के हेड और चेस्ट को कुशनिंग देता है लो स्पीड एक्सीडेंट्स में, स्पेशली तब जब पीछे से कार को धक्का लगता है तब। फिर इनके सिवाय आपको फॉर्च्यूनर में फ्रंट एडजस्टेबल ड्राइवर और पैसेंजर सीट मिल जाएंगे, जहां आपको इनोवा क्रिस्टा में सिर्फ ड्राइवर सीट को 8-way एडजस्टेबल सीट मिलेगा, जहां आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, और पैसेंजर के लिए एक स्लाइड एंड रिक्लाइन वाला सीट भी मिलता है। अब बात करते हैं डिमेंशंस के बारे में। दोस्तों, जब डायमेंशंस की बात आती है तो इनोवा क्रिस्टा फॉर्च्यूनर से 2 inch लंबाई में कम है, लगभग 1 inch से कम चौड़ी है और ऊंचाई में लगभग 1.5 inch से कम ऊंची है, जिसका मतलब ये होता है कि इनोवा क्रिस्टा को भले ही ऑफ रोडिंग में कम मार्क्स मिलते हो लेकिन ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी में अच्छी है फॉर्च्यूनर से, यानी कि सिटी और हाईवे पे वो ज्यादा कंफर्टेबल भी है फॉर्च्यूनर से। क्यों? क्योंकि दोनों के व्हील बेस में सिर्फ 5 mm का फर्क है। दोस्तों, टोयोटा आज खास कार कंपेयरर्स के दर्शकों के लिए BS6 फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा पे 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 फॉर्च्यूनर या BS6 इनोवा क्रिस्टा खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। अब टाइम आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सूट करेगी। पहले तो सिटी रेनिंग के हिसाब से देखते हैं। सिटी यूज के लिए फॉर्च्यूनर काफी बड़ी और ऊंची गाड़ी है, तो उससे ज्यादा आपको आसानी होगी क्रिस्टा चलाने में। इनके माइलेज में तो ज्यादा फर्क नहीं है पर खर्चे में है, जैसे कि हमने पहले देखा। पर फॉर्च्यूनर में आपको एक अच्छी टॉर्क आउटपुट, स्ट्रॉन्ग चैसी और 4x4 सिस्टम की वजह से एक कैपेबल गाड़ी मिलेगी। यदि आप ऑफ रोडिंग या लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन के लिए जाना चाहते हो तो भी ये गाड़ी बिल्कुल निराश नहीं करेगी। अगर आप ज्यादातर सिटी में और कभी कभी लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो तो इनोवा क्रिस्टा भी कोई कम नहीं है, क्योंकि इसमें 7 या 8 लोग, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेरिएंट लेते हो आप, इसमें कंफर्टेबली बैठ पाएंगे।
और लॉन्ग ड्राइव्स भी मजेदार रहेगी। पर याद रखिए, ये एक ऑफ रोडर नहीं है बल्कि सिर्फ ऊबड़ खाबड़ रस्ते हैंडल कर पाती है। फॉर्च्यूनर में 6 से 7 लोग आराम से बैठ पाएंगे और लॉन्ग ड्राइव्स पे मजा भी आएगा, खास करके कीचड़ वाले शॉर्टकट्स लेने में। ये कंपेरो खत्म करने से पहले एक खास बात बताना चाहेंगे जो हमने फॉर्च्यूनर के ओनर से पता की है। इनोवा के जैसे ही ये गाड़ी लाखों किलोमीटर चल पाती है बिना कुछ तकलीफ के, और तो और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है जैसे कि हमने देखा, और वो यहाँ तक कम है कि आपको लगेगा कि आप एक हैचबैक मेंटेन कर रहे हो, एसयूवी नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और टोयोटा फॉर्च्यूनर के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।